महेश जामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैक्स। मुंब्रा के कादर पैलेस में सूरज तिवारी और अभिषेक सिंह पर किसी दो अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में सूरज तिवारी और अभिषेक सिंह के हाथ ये फ्रैक्चर हो गए हैं। दरअसल सूरज तिवारी ये ठाणे जिला बजरंग दल के संयोजक हैं और अभिषेक सिंह ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये कलवा के रहने वाले हैं। सूरज तिवारी ने बताया कि वो किसी काम के ताल्लुक से अभिषेक के साथ में कादर पैलेस एरिए में आए थे, तभी बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और लोहे की रॉड से अचानक उन्हें मारना शुरू कर दिया। हालांकि किसी तरह से दोनों लोग सूरत और अभिषेक अपनी जान बचाकर वहां से भागे और मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मुंब्रा पुलिस स्टेशन ने इन्हें मेडिकल के लिए भेजा और मेडिकल में पाया गया कि इन दोनों के एक एक हाथ जो है फ्रैक्चर हो गए हैं। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 324, 323, 504, 427, 34 के तहत FIR दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। मेरा नाम सूरज तिवारी है, बजरंग दल थाने विभाग संयोजक की जवाबदारी है। क्या हुआ था आपके साथ में जो हाथ पे फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ था, पूरा मामला है? मुंब्रा में हम लोग आए दो ढाई के बीच में और हम लोग घूम रहे थे। मेरे भाई है, मित्र हैं अभिषेक सिंह, इनके साथ में हम लोग मुंब्रा में घूम रहे थे। कौसा में दो तीन जगह पर हम लोग रुके भी और एक जगह पे कौन से कादर पैलेस कौसा में हम लोग रुके थे, हीना बेकरी के पास। तो ये मेरे मित्र है, वो दुकान के अंदर गए और मैं दुकान के बाहर खड़ा था, फ़ोन पे बात कर रहा था। तो दो लड़के आए, जैकेट रेनकोट पहने थे और मुंह पे मास्क लगाए थे, हाथ में रॉड और काठी लेके, और आके डायरेक्ट मेरे पे हल्ला बोल दिया, डायरेक्ट हमला कर दिया उन्होंने। और बेदम नहीं, और हमारे कोई पहचान के नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने हमारे पे हमला किया। जान से मारने का प्रयत्न था लेकिन मैंने रोका उनको। मारते वक्त उन्होंने बोला मेरे भाई को क्यों मारा, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं था। मुंब्रा में हम आए कौसा वाले, वो एरिया में हम पहली बार गए भी थे। हाथ में दो फ्रैक्चर है, हाथ के ऊपर यहाँ पीछे लगा है और ये कंधे पे भी लगा है, चोट रॉड से मारा है और काठी से। और मुझे बचाने के लिए भाई मेरे आगे आए तो इनके ऊपर भी हमला किया और इनके भी हाथ में फ्रैक्चर है। बाकी FIR हुआ है अभी।